नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 22 अगस्त से खेला जाना है और इस पहले टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतरने वाली है, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस पहले टेस्ट मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, भारतीय टीम यहाँ पर काफ़ी मजबूत लग रही है क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज भारतीय टीम के पास मौजूद है। जहाँ पर तेज गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ईशांत शर्मा की तिकड़ी यहाँ पर कमाल करने वाली है, तो तीनों खिलाड़ी यहाँ पर शानदार गेंदबाजी करके दिखा सकते हैं। वहीं पर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन यहाँ पर स्पिन गेंदबाजी में कमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज है जो यहाँ पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं इस टीम के लिए। खासकर की निगाह यहाँ पर रोहित शर्मा पर रहेगी कि वो यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट में किस का प्रदर्शन करने वाले हैं। वहीं पर बात करें विराट कोहली की तो विराट कोहली इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में है और उम्मीद है कि इस फॉर्म को इस टेस्ट सीरीज में भी यहाँ पर बरकरार रखेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने यहाँ पर शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था, एक बार फिर उसी तरह की उम्मीद है कि वो दिखा सकते हैं। तो अब देखते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11। तो यहाँ पर रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल ओपनिंग कर सकते हैं, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रिद्धिमान साह, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो पहले टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि रोहित शर्मा को नीचे भी जगह दी जा सकती है अगर ऊपर केएल राहुल को मौका दिया जाता है तो। तो दोस्तों, कैसी लगी प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि क्या रोहित शर्मा को टेस्ट में ओपनिंग का मौका देना चाहिए। कमेंट ज़रूर करें और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।